नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में। बिहार स्पेशल चर्चा का एक केंद्र आज पटना होगा तो दूसरा केंद्र दिल्ली होगा। और पटना और दिल्ली इसलिए क्योंकि कल यानी 29 जून को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक होने जा रही है और उस बैठक के लिए नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुँच रहे हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली पहुँचना, एक ऐसे दौर में दिल्ली पहुँचना जब जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के संबंधों को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं, जब ये भी कयास लगने शुरू हो गए हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को ठीक ठाक ऑफर है और लालू यादव भी अपने बेटे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को और 5 सालों के लिए दबा ले जाने के लिए अपनी मना स्थिति तैयार करने की स्थिति में खुद को पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की बात जो भी कह रहा है कि नया अध्यक्ष बनेगा, वो बातें सब फर्जी है, बकवास है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने की आवश्यकता होती है, वो प्रक्रिया है। हाँ, कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति नीतीश कुमार कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अचानक बुलाने की नौबत क्यों आ गई जब दिसंबर के महीने में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों की बैठक दिल्ली में हुई थी और ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाया गया था। जेडीयू की यह बैठक एक ऐसे दौर में हो रही है, एक ऐसी परिस्थिति में हो रही है जब बिहार भाजपा की तरफ से अश्विनी चौबे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से भी बात की है और तब वो इस बात को कह रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के नेतृत्व में लड़े, वो कोई त्याग के लिए और कोई बलिदान के लिए खुद को तैयार बता रहे हैं। तो क्या अश्विनी चौबे, जिन्हें राजभवन भेजे जाने की चर्चा है, क्या उठपटांग बयान देकर राजभवन जाने की संभावना को खत्म कर लेंगे? स्वाभाविक है कि नहीं करेंगे और वे दावे के साथ कह रहे हैं कि वो केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से ऐसी बातें बोल रहे हैं। कल रात अचानक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े पटना में चुनाव की हार जीत की समीक्षा बैठक ले रहे थे कि अचानक बैठक को बीच में छोड़कर उप मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए और ये सारी चीजें इतनी तेजी से घूम रही है। सियासत में वो कहते हैं ना कि काल चक्र का पहिया इतनी तेजी से घूम रहा है कि उस पहिए के घूमने की परिस्थिति में जहां नीतीश कुमार तो पिछले 19 साल से स्थिर है, राजद और भाजपा अब तक घूमती रही है, तो क्या ये पहिया फिर घूमने का वक्त आ गया है? सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी, कालचक्र का पहिया जितनी तेजी से घूमता है, उस पहिए की तेजी से भी ज्यादा तेजी से आपकी पैरी नजर उस पर रहती है। नीतीश कुमार थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं और नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है और कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर चर्चा चल रही है। शुरुआत इसी मुद्दे से कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा अश्विनी चौबे के बयान के साए में भाजपा जदयू के अंतर संबंधों को मंत्रालय बंटवारे को लेकर जिस प्रकार से असंतोष की बात है उस खबर के साए में और अंततः ताजा मामला अश्विनी चौबे के बयान और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना के इन खबरों के बीच जो हो रही है, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश कुमार किस प्रकार के सियासी संकेत देते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए, अश्विनी चौबे ने जो बयान दिया है उसका चर्चा निश्चित ही जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होने जा रही है उसमें निश्चित ही इस बात की चर्चा होगी कि भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं में से शुमार, खासकर बिहार भाजपा की बात करें, और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इस प्रकार का बयान दिया है कि भाजपा को एकला चलो मार्ग पर चलना चाहिए और भाजपा का ही कोई नेता या कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे बयान से जो गठबंधन की राजनीति है उसमें परेशानी होती है। और संजय झा ने हालांकि कल बयान दिया है इसको लेकर, संजय झा ने कहा है कि भाजपा मतलब प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, और प्रदेश अध्यक्ष ने या डिप्टी सीएम ने बयान इस ऐसे मुद्दे पे कोई बयान नहीं दिया है और अश्विनी चौबे के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है अभिषेक जी, सिर्फ अश्विनी चौबे नहीं, संजय पासवान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है उन्होंने भी, जो वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है जिनको आयातित प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी चौबे ने कहा, और इन्होंने भी कहा है कि जो बाहरी लोग हैं उनको महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेवारी दिया गया है, जो पुराने लोग हैं, जो पार्टी के
कैडर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम किया गया है। तो जदयू के बाद संजय पासवान उनके बयान का, मैं आ रहा हूँ संजय पासवान, अश्विनी चौबे और उससे पहले गया के पूर्व सांसद जिनका टिकट काट दिया गया था हरी मांझी ने भी प्रदेश अध्यक्ष पे सम्राट चौधरी पे सवाल उठाया था। तो भाजपा में जो बिहार भाजपा में यदि बात करें अभिषेक जी, तो असंतोष की गुब्बारे फूटने लगे हैं और धीरे धीरे ये आप 14 से जब नरेंद्र मोदी का उभार होता है, यानी नरेंद्र मोदी का बीजेपी के सर्वोसर्वा नेता के रूप में जब नरेंद्र मोदी का उभार होता है उसके बाद आप देखिए कहीं भी इस प्रकार का बयान आपने नहीं देखा होगा 14 से 19 या 19 से 24 तक। लेकिन 24 के जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं जो असंतोष जिस वर्ग में है वो अब असंतोष आपको देखने को मिले हैं, मीडिया के सामने में ये नेता लोग खुलेआम बोल रहे हैं, तो ये भाजपा के लिए परेशानी का सबब है। अब जेडीयू इसको कैसे लेती है, क्योंकि जेडीयू आपने अश्विनी चौबे एक अगर संजय झा का बयान देखा, जमा खान का कल बयान आया है कि हमने तो कुर्बानी दी है, जमा खान का ये कहना हमने तो कुर्बानी दी है, हमारे नेता तो प्रधानमंत्री मेटेरियल है, प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए, उन्होंने प्रधानमंत्री पद को सेक्रीफाइस किया है बीजेपी के लिए। तो इस प्रकार बीजेपी का एक जेडीयू का एग्रेसिव अप्रोच अश्विनी चौबे के बयान को लेकर, तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन मुद्दों पर जरूर चर्चा होगा और नीतीश कुमार पार्टी हाईकमान से, बीजेपी के पार्टी हाईकमान से जरूर इस पर बात करेंगे, या जो जिन लोगों को नीतीश कुमार अधिकृत करेंगे बीजेपी से बात करने के लिए जरूर बातचीत होगी। यदि बीजेपी के बिहार बीजेपी के इतने बड़े नेता और एक नेता नहीं दो तीन नेताओं का इस प्रकार का बयान आया हो, चाहे संजय पासवान का सम्राट चौधरी को लेकर हो या सुनील चौबे का नीतीश कुमार को लेकर हो। जी ऋषि मिश्रा जी, बिहार भाजपा के नेता तो निजी बातचीत में कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवा किसी से बात करना पसंद भी नहीं करते, दोनों दलों के संबंधों के मामले में वो सीधा प्रधानमंत्री से बात करना पसंद करते हैं। बिल्कुल, और कल एक और डेवलपमेंट हुआ है, नीतीश कुमार के जो बचपन के मित्र हैं, क्लास साथी हैं और जमशेदपुर पूर्वी से जो विधायक हैं, मैं नाम अभी भूल रहा हूं, उनकी भी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है जी। और नीतीश कुमार पैर पसारने वाले हैं, झारखंड में जाते हैं कि जमशेदपुर पूर्वी पर सरयू राय विधायक का क्या नाम, हाँ सरयू राय जो है जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़े, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है। और एक बात कह के आप अगला सवाल पूछिएगा हमसे, नीतीश कुमार आपने देखा है कि जिन दो बड़े पार्टियों के बैसाखी पे वर्तमान में केंद्र सरकार है, और हम लोगों ने भी यह अनुमान लगाया था प्रधानमंत्री के शपथ से पहले, मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले और बंटवारा से पहले, प्रोफाइल बंटवारा से पहले, कि नीतीश कुमार के जिम्मे कोई बड़ा विभाग आने वाला है, जेडीयू के जिम्मे कोई बड़ा, लेकिन आप देखिए जो प्रोफाइल जो विभाग दिया गया है, हम साधारण सा प्रोफाइल दिया गया है, चाहे ललन सिंह को हो या ठाकुर साहब का हो, नीतीश कुमार ने ये वादा लिया है बीजेपी से कि 2025 में जो चुनाव होंगे वो नीतीश कुमार के अगुवाई में होंगे और 25 से 30 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और इस पे नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दे दी है। और कल आप सम्राट चौधरी का बयान देखिए, ऋषि जी कल मैंने इसी न्यूज लॉन्चर के लिए कल संजय पासवान से बात की, उन्होंने कहा कि बिहार में तो नीतीश कुमार चाहते हैं जितनी जल्दी चुनाव हो जाए उतनी जल्दी बेहतर है, महाराष्ट्र के साथ ही हो जाए। देखिए मैं उस विषय पे आता हूँ, वो भाजपा कल सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के लिए बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, अब कल संजय पासवान का बयान बहुत बड़ा बयान है, अब राष्ट्रीय मीडिया में इस बयान का चर्चा क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। संजय पासवान ने जो बयान दिया है कि यदि नीतीश कुमार का साथ नहीं होता, यानी जेडीयू का साथ नहीं होता, तो बिहार में भाजपा के खाते तक नहीं खुलते, यानी आप संजय पासवान नरेंद्र मोदी के लीडरशिप पे सवाल उठाए हैं, क्योंकि बीजेपी बिहार हो या तमाम पूरा देश हो, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही थी,
तो संजय पासवान ने डायरेक्ट नीतीश कुमार को आगे आगे करके एक तरह से नरेंद्र मोदी पे सवाल उठाया है, नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी पे सवाल उठाया है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया है। तो ये बड़ा असंतोष खासकर बिहार भाजपा में देखने को मिल रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि बड़े से बड़े नेताओं को दरकिनार करके आप राजद से आयातित नेता सम्राट चौधरी को सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष न बना के डिप्टी सीएम, और आपने देखा भी होगा विजय सिन्हा से पहले सम्राट चौधरी शपथ लेते हैं। तो क्या सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है आपसे जी भाई भाजपा से कि भाजपा ने इतने दिनों में कोई कुशवाहा समाज के नेता को आगे नहीं बढ़ाया कि ताकि आपको राजद से आयातित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ता हो? ये बहुत बड़ा सवाल है संजय पासवान अश्विनी चौबे ने किया है, इसका जवाब भाजपा को देना होगा जी। इससे पार्टी के जो कैडर हैं उसमें निराशा होता है जी। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं कि पार्टी के कैडर में निराशा होती है, एक खबर जनता दल यूनाइटेड के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि जेडीयू ने तो विधानसभा चुनाव के लिए 130 पीला लिफाफा तैयार कर रखे हैं, मतलब 130 सीटें सेलेक्ट कर रखी है कि हमारी है, बाकी 113 भाजपा खुद लड़े या उसमें लोजपा, हम इसको एडजस्ट करिए। भाजपा के कपार पर यह बवाल छोड़ दिया नीतीश कुमार ने। अब सवाल उठता है कि जब 130 पीला लिफाफा वो तैयार कर रहे हैं खुद के लिए, क्या आपको दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या बीजेपी को एक स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि बिहार में बड़ा भाई हम ही है और बिहार के मामले में थोड़ा भी ईट बट करने की कोशिश की तो दूसरा दरवाजा भी खुला हुआ है? देखिए, सीटों को लेकर मतभेद हो सकता है लेकिन बड़ा भाई छोटा भाई को लेकर अब मतभेद नहीं है। कल भी सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया, सीटों को लेकर ही तय होता है ऋषि जी, बड़ा भाई कौन है गठबंधन में, छोटा भाई कौन है, सीटों से ही तय होता है, नंबर ऑफ सीट्स का ही है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये बात निश्चित है कि यदि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में है तो अधिक सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन वो संख्या क्या होगी उसको लेकर डिस्प्यूट है। वो संख्या 130 हो सकती है, वो संख्या 125 हो सकती है, वो संख्या 140 हो सकती है, उसको लेकर डिस्प्यूट है, मेरे कहने का ये अर्थ है। और सम्राट चौधरी ने तो कल ही कह दिया 1996 से हमारा गठबंधन है नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में 1996 से अब तक हमने चुनाव लड़ा है, नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में 2025 में चुनाव लड़ेंगे। आप ये बताइए, आप ये मान रहे हैं कि जब बड़ा भाई गठबंधन में नीतीश कुमार है तो किसी भी हालत में 125 से कम पर नहीं लड़ेंगे 243 की असेंबली में? देखिए, मैं उस संख्या पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उस संख्या वो 120 से ऊपर ही होगी, वो 125 हो जाए, 130 हो जाए, 135 हो जाए, लेकिन वह हाँ 120 के आसपास होगी, प्लस माइनस 5 120 के आसपास के सीटों पे जेडीयू चुनाव लड़ना चाहेगी। और इस बार जेडीयू चाहती है कि बीजेपी से अधिक सीटों जीत के आए ताकि जो उनका जो मोरल जो 2000 में जो मोरल डाउन हुआ था, तीसरे नंबर की पार्टी रह गई थी और बीजेपी के कृपा पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे एक तरह से, हालांकि ये बीजेपी भी जानती है कि बिना नीतीश कुमार वो बिहार में राजनीति नहीं कर सकते हैं, और यदि नीतीश कुमार इस गठबंधन से बाहर आते हैं तो निश्चित ही फिर महागठबंधन की सरकार बनना तय है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के जो रणनीतिकार हैं, जो शीर्ष लीडरशिप है, उनको एहसास है बिना नीतीश कुमार बिहार में नैया पार नहीं लगने वाली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले एक चर्चा बहुत तेज है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, चूंकि वो मुख्यमंत्री है, समय का अभाव होता है संगठन को नर्चर करने में, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वो बनाएंगे, और कार्यकारी अध्यक्ष यदि वो बनाएंगे तो चेहरा कौन हो सकता है? संजय झा को पद दे दिया गया, संजय झा अब राज्यसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता है, लोकसभा में दिलेश्वर कामत है, केंद्रीय मंत्री हो गए रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह, हरिवंश जी बड़े पद पर है, वशिष्ठ नारायण सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बिहार सरकार चलाने के लिए जेडीयू की तरफ से श्रवण कुमार और विजय चौधरी की विधानसभा में और सचिवालय में जरूरत है, तो आखिर कौन वो व्यक्ति है जिनको इन तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त रखकर नीतीश कुमार यदि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं पार्टी में किसी को, वर्किंग प्रेसिडेंट तो किसे बना सकते हैं? देखिए, एक बात मैं आपको वर्किंग प्रेसिडेंट पे आ रहा हूँ। देखिए, एक बात ये मान लीजिए अब सिर जी, गठबंधन की सरकार है और गठबंधन वाली सरकार में नीतीश कुमार कभी ये नहीं चाहेंगे
किसी दूसरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दिया जाए। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है और हम लोगों ने एक दो हफ्ते पहले ही न्यूज लॉन्चर पे कह दिया था कि जेडीयू कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुनने जा रही है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होने जा रही है उसमें राष्ट्रीय कार्यकारी दो नाम चर्चा में मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे अनिल हेगड़े और मनीष वर्मा, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए सबसे जो आगे नाम चल रहा है वो मनीष वर्मा का चल रहा है, ये आईएएस हैं, उड़ीसा कैडर के आईएएस हैं और उन्होंने बीआरएस कुछ वर्षों सुन तो लीजिए ना, कुछ वर्षों पहले उन्होंने बीआरएस लिया है और अभी वो नीतीश कुमार के जो कोर कमिटी एक तरह से कहिए ब्यूरोक्रेट्स का, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स का या सलाहकार का, उसमें है मनीष वर्मा और संभवतः मनीष वर्मा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और अनिल हेगड़े का भी नाम है, एक दो ऐसे और भी नाम है, लेकिन मुझे लगता है जो हमारे सोर्सेस ने पुष्टि की है उसमें मुझे लगता है कि मनीष वर्मा का नाम करीब करीब तय है। और मनीष वर्मा को हो सकता है कि जो राज्यसभा की सीटें खाली हुई है उसके माध्यम से दिल्ली भी लाया जाएगा, उनके रहने और तमाम जो जो चीजें होती हैं कार्यकारी अध्यक्ष के लिए उसकी उसका व्यवस्था पार्टी जरूर करेगी। और बात बिल्कुल सही कहा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, एक एज का भी फैक्टर है, तो नीतीश कुमार उतना पार्टी को समय नहीं दे पा रहे थे, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारी पद का मुझे लगता है कि जेडीयू से सृजन करने जा रही है, उसमें मुझे लगता है मनीष वर्मा का नाम सबसे आगे है। लेकिन इस बात को आप जान लीजिए कि नया अध्यक्ष नहीं बनने जा रहा है, गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में कोई भी छोटी पार्टी का जो सर्वे सर्वा होता है, जो पार्टी का मेन फेस होता है, वो नहीं चाहता है कि उनके स्थान पे कोई और दूसरा अध्यक्ष हो, ताकि कुछ जो गड़बड़ियां होती हैं, आपने देखा आरसीपी सिंह ललन सिंह के टाइम में कुछ न कुछ एक देखने को मिला था, वो नीतीश कुमार इस बार नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आपके बात से बिल्कुल सही है, न्यूज लॉन्चर ने जो खबर ब्रेक किया है वो बात बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कल नीतीश कुमार बनाने जा रहे हैं। जी अब आगे एक सवाल और उठता है कि दो तरह की खबर इंडिया गठबंधन से आ रही है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी खासकर शरद पवार को ये जिम्मेदारी कई दिनों से 4 जून से ही ये खबर चर्चा में है, 4 जून नहीं बल्कि इनफैक्ट 1 जून से ही खबर चर्चा में है कि शरद पवार ने एक तरह से अघोषित तरीके से इंडिया गठबंधन के दलों की संख्या बढ़ाने की कमान संभाली हुई है। अब सवाल उठता है कि चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, वो तो देखिए उनको भाजपा पर कोई निर्भरता नहीं है, वो संख्या बल में पहले अकेले ही 2/3 बहुमत लाए विधानसभा में, उनको कोई जरूरत नहीं है भाजपा की, दिल्ली से जिसकी सरकार रहेगी पैसा चाहे उनको चाहिए राज्य के विकास के लिए, वो पैसा चाहे वो नरेंद्र मोदी दे या कल को दूसरी सरकार बने वो दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन नीतीश कुमार को बिहार में सरकार चलाने के लिए और अगला 5 साल सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की गारंटी की जरूरत नहीं, बल्कि यदि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अलायंस को स्विच करती है, विपक्ष परिवर्तन क्या खेल होता है बिहार में अगर हुआ तब, तो राष्ट्रीय जनता दल से एक एश्योरेंस चाहिए कि अगले 5 साल तक नीतीश कुमार के चेहरे पर और बराबरी के साथ सीट समझौते को लेकर के राजद कोई फॉर्मूला अपनी तरफ से बड़ा दिल दिखाते हुए लेकर आए तो जनता दल यूनाइटेड में कोई पुनर्विचार की गुंजाइश बन सकती है, यानी शरद पवार की और राहुल गांधी की या खड़गे साहब की इच्छा फलीभूत हो सकती है। क्या आपको लगता है लालू यादव का परिवार इतना बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार है? देखिए नीतीश कुमार भी दबाव में है, ये बात बिल्कुल सही आपने सुना है, नीतीश कुमार भी दबाव में, जिस प्रकार से केजरीवाल के साथ केंद्र सरकार रिस्पॉन्स कर रही है, लोग नहीं मामले में कर रहे कि नीतीश कुमार मैं केजरीवाल और हेमंत सोरेन जेल में है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, केजरीवाल को जो बेल मिलता है, बेल मिलने ही वाला होता है कि अगला जांच एजेंसी उनको गिरफ्तार कर लेती है, तो ये टाइमिंग को लेकर सवाल है। और केंद्र सरकार जिस प्रकार से रिस्पॉन्स कर रही है खासकर अपोजिशन लीडर को लेकर, तो उसमें एक नैरेटिव जरूर बन रहा है कि नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू गठबंधन की सरकार फिर क्या, यदि 14 और 19 में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का एकाधिकार था, जो जो नरेंद्र मोदी सोचते थे वही करते थे, तो गठबंधन सरकार में
जो मैंडेट मिला है और जिस गठबंधन में नीतीश कुमार और टीडीपी के सहारे ये सरकार चल रही है और टीडीपी और नीतीश कुमार ऐसे मुद्दों पर चुप है, तब जब विपक्ष के किसी नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक तरह से राजनीतिक द्वेष से उनको परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे हालात में नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनके जरूर ये तोहमत लगेगी कि इन इन लोगों ने ऐसे मुद्दों पर मौन धारण कर लिया था। आपको याद होगा जब टीडीपी ने एक अभियान चलाया था उसमें उन्होंने केजरीवाल का भी सपोर्ट लिया था, केजरीवाल से आके मुलाकात की थी, एक गठबंधन बनाने का उन्होंने, और आज वही चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार के एकाधिकार वाले मुद्दों पर एकदम कुमकर्णी निद्रा में सोई हुई है, तो ये जनता उनसे जरूर सवाल करेगी। देखिए नीतीश कुमार तभी मूव करेंगे, अब आपके सवाल पे आ रहा हूँ, नीतीश कुमार तभी मूव करेंगे जब नीतीश कुमार को लगेगा कि प्रधानमंत्री पद को लेकर इंडिया गठबंधन में तमाम लोगों की राजामंदी बन गई है, नंबर वन, नंबर दो टीडीपी यदि उस पर सपोर्ट करती है कि टीडीपी को ये मंजूर है कि नीतीश कुमार यदि फेस होते हैं तो वो इसको सपोर्ट कर सकते हैं, तभी जाके नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर आएंगे, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल हरी झंडी दे दी है कि यदि आपके ही लीडरशिप में 25 में चुनाव होगा, यानी जो 25 में यदि अपने टाइम पे होता है तो ठीक, नहीं तो महाराष्ट्र, जैसे नीतीश कुमार की आकांक्षा है कि महाराष्ट्र के साथ बिहार का भी चुनाव कराया जाए, तो जब भी चुनाव होगा नीतीश कुमार के लीडरशिप में होगा और अगले 5 साल तक नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि राजनीति में राजनीति परिस्थितियों का खेल होता है, कब क्या ट्यूनिंग बैठ जाए, कब क्या हो जाए, ये कहना मुश्किल है और किसी के वादे पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से यह आश्वासन मिला है। लेकिन जो आप जो खबर कह रहे हैं बता रहे हैं उस पे नीतीश कुमार तभी मूव करेंगे जब नीतीश कुमार ये श्योर हो जाएंगे कि इंडिया गठबंधन के तमाम घटक जो है उनके नाम पे सहमति है और टीडीपी का समर्थन है, और टीडीपी जेडीयू का समर्थन मिल जाएगा तो पवन कल्याण भी आ जाएंगे, पवन कल्याण आ जाएंगे तो ए आई एम एक जो है असुद्दीन ओवैसी साहब उनका भी सपोर्ट मिल जाएगा और बहुत निर्दलीय भी हैं, सरकार आसानी से बन जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार तभी एनडीए गठबंधन से बाहर आएंगे जब उनको इस प्रकार का आश्वासन मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे जी, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, नीतीश कुमार किन एजेंडों को लेकर आगे बढ़ते हैं, किन एजेंडों को लेकर केंद्र सरकार पे दबाव बनाते हैं। जाति जनगणना और आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, बिहार का बिहार ये आएगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि बिहार राज्य का विशेष सरकार का जिम्मा है, बिहार नहीं, बिहार राज्य का विशेष दर्जा का भी मुझे लगता है एक प्रमुख मांग है, 9वीं सूची वाली जो बात कही वो भी एक प्रमुख मांगे हो सकती है। तो इस प्रकार का एजेंडा क्या होता है उस पर फिर केंद्र सरकार का क्या रिस्पॉन्स होता है ये देखना होगा, और हम लोग इंतजार करना चाहिए। राजनीति परिस्थितियों का खेल है, कब क्या बिगड़ जाए। नीतीश कुमार आज कह रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, कल हो सकता है कि वो फिर महागठबंधन के चल के साथ चले जाए, कहीं नहीं जाते हैं, वो जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष की अदला बदली होती है जी, विपक्ष की अदला बदली होती है, पार्टनर बदल जाते हैं, वो कहाँ कभी पलटते हैं, पार्टनर बदल जाते हैं, गलत, वो तो मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री नहीं पलटेंगे, पलटेंगे पलटते हैं, पलटेंगे तब जब प्रधानमंत्री पद पर जाए, तो पलटेंगे नहीं तो प्रमोशन होगा, उसको पलटना, प्रमोशन, अच्छा चलिए चलिए प्रमोशन चलिए। अब आखिरी सवाल पर आते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने छेड़ दिया ऋषि जी, दो मुद्दे हैं, एक 9th शेड्यूल में डालने के लिए जेडीयू रिजिड है ऐसा बताया जा रहा है, दूसरा राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार यदि लालू यादव कह भी दे कि चलिए 5 साल और नीतीश जी रहेंगे, अगर उधर जाने का मूड भी नीतीश कुमार कहा जा रहा है तभी बनाएंगे, जब रुपौली बाई इलेक्शन को एक लिटमस टेस्ट के तौर पर लिया जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट और भारतीय जनता पार्टी का आधार वोट जिन समुदायों में है, क्या वो वोट निर्दलीय शंकर सिंह की तरफ मूव करता है या वो वोट जनता दल यूनाइटेड की तरफ मूव करता है, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स के मिजाज को रुपौली में एक टेस्ट केस के तौर पर जेडीयू देख रही है कि कहीं आगे कोई चिराग मॉडल तो उसके साथ नहीं हो जाएगा। देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, दर्शकों को मजा भी आएगा सुनने में,
चिराग मॉडल नहीं होते हुए भी रुपौली में चिराग मॉडल देखने को मिला है। जो ये शंकर सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चिराग पासवान के पार्टी के ही नेता हैं। हालांकि उन्होंने नॉमिनेशन विधायक नहीं बन पाए लेकिन जीते थे 2005 के पहले चुनाव में। नहीं विधायक बन गए, विधायक बने, भूतपूर्व विधायक नहीं है, भूतपूर्व विधायक एक बार विधायक रहे हैं, वो भी एलजीपी के सिंबल पर रहे हैं और लगातार नहीं थे सर, विधायक नहीं थे। 2005 में दो बार चुनाव हुआ था तो पहली बार में तो वो जीत गए थे फरवरी वाले में, लेकिन विधानसभा तो आधी रात को भंग करा दी थी बूटा सिंह ने, और दोबारा नवंबर में चुनाव हुआ उसमें वो जीत नहीं पाए, इसलिए मैंने कहा कि वो अभूतपूर्व विधायक है, भूतपूर्व नहीं। चलिए चलिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए आप ध्यान से। देखिए लोजपा के नेता रहे हैं और नॉमिनेशन करने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने लोजपा से इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा देने से पहले दिल्ली या पटना में चिराग पासवान से उनकी मुलाकात भी हुई है, और मुलाकात के बाद वो व्यक्ति नॉमिनेशन करता है लोजपा वहां पे रुपौली में। तो आप समझ सकते हैं यदि शंकर सिंह चुनाव लड़ते हैं तो वो भाजपा का ही वोट यानी वोट को कट करेंगे, राजपूत समुदाय का वोट कट करेंगे, और राजपूत समुदाय करीब करीब 20-22 हजार के आसपास है उनकी संख्या वहां। तो हालांकि राजपूतों में भी उनको लेकर मतभिन्नता है, लेकिन जो भी वोट करेंगे कट करेंगे वो जेडीयू का करेंगे, एनडीए का करेंगे। तो यहाँ चिराग ऑपरेशन जो है और चिराग फॉर्मूला जो 2020 में खेला गया था इनडायरेक्ट रूप से रुपौली में देखने को मिल रहा है। यदि चिराग पासवान चाहते तो उनको चिराग पासवान यदि चाहते तो उसको मना सकते थे, क्योंकि वह व्यक्ति लगातार लोजपा में बने हुए थे और चिराग पासवान के मुलाकात के बाद वो आदमी आता है आनंद फानंद में नॉमिनेशन कर देता है। तो आप देख लीजिए कि जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहां लोजपा के बागी, टेक्निकली रूप से लोजपा के बागी चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए के वोट में कट करेंगे। जी साफ सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए, मान लीजिए कि 22,000 आप कह रहे हैं 20-22 हजार राजपूत वोट है, चलिए 13-14 हजार राजपूतों की पोलिंग हुई जाति के नाम पर उनको मिल गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी बच सकती है अगर वो 13-14 हजार वोट लाए, लेकिन अगर शंकर सिंह को 40 हजार वोट आते हैं तो तब तो इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर ने जाकर के उनको वोट दिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है। अब सवाल उठता है कि यदि शंकर सिंह 35-40 हजार वोट लाते हैं तो इसका साफ मतलब यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने रुपौली में चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया, भले ही पार्टी चिराग पासवान की नहीं थी। तो जब बीजेपी के कोर वोटर जेडीयू को मिलना नहीं है, 9 शेड्यूल पर ये मानेगी नहीं, और ये दोनों मुद्दे नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है कि आरक्षण का पूरा फायदा, उस मुद्दे का पूरा फायदा तेजस्वी उठा लेंगे, और दूसरी तरफ बीजेपी के कैडर का अपेक्षित सहयोग भी ना मिले, तो क्या रुपौली बाई इलेक्शन जो जदयू के लोगों का कहना है कि भाजपा और जदयू के संबंधों को पुनः परिभाषित करेगा कि ये रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इस बात में कितना दम आपको दिखाई देता है? वैसे मैंने शुरू में नालंदा विश्वविद्यालय में मनमोहन सिंह सरकार के योगदान को गिना करके एक संकेत तो दे ही दिया है। मैंने शुरू में ही कहा है कि पटना या दिल्ली में शंकर सिंह की मुलाकात होती है, उसके बाद वो नालंदा फाइनल में नॉमिनेशन करते हैं, तो उसको क्या माना जाए? क्या चिराग पासवान की मौन सहमति नहीं है? चिराग पासवान ने गठबंधन धर्म निभाते हुए उनको मनाने का क्या प्रयास किया? किन नेताओं को उनसे मिलने के लिए भेजा? तो ये चिराग ऑपरेशन स्पष्ट है। दूसरी बात रुपौली की बात करें तो वहां जेडीयू उम्मीदवार कंफर्ट पोजीशन में, यदि शंकर सिंह कोई बड़ा सेंध नहीं लगाते हैं तो अब बीजेपी का कैडर क्या? बीजेपी का कैडर वहां ये है कि अग्रणी जातियों का वोट बीजेपी को मिलता है, कोई बड़ा कैडर नहीं है, और जिसको जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है वो बहुत सौम्य नेचर के हैं, और संतोष सिंह को जो संतोष कुशवाहा का जो वोट मिला है वहां पे लोकसभा चुनाव में जो जेडीयू के उम्मीदवार है उनके कारण मिला है, गंगोत समाज में ठीक ठाक सेंध लगाने में वो कामयाब रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि मेरा देखिए मैंने जो 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 चर्चा में इस विषय को रखा है कि क्या गठबंधन धर्म निभाते हुए चिराग पासवान शंकर सिंह को नहीं मना सकते थे, और शंकर सिंह जीतने के कैपेसिटी में नहीं है, एक बात जान जाइए शंकर सिंह किसी भी हालात में जीतने के कैपेसिटी में नहीं है। तो ये बिल्कुल सही आपने कहा, जेडीयू का जो रुपौली का उपचुनाव है ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा, और नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, सबसे चतुर खिलाड़ी हैं,
अरे नीतीश कुमार को यह लग जाएगा कि ऑपरेशन चिराग अभी भी चल रहा है, तो वो दो सेकेंड भी नहीं लगाएंगे गठबंधन से बाहर जाने में। तो इस बात को बीजेपी के रणनीतिकारों को समझना चाहिए। और यदि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे एनडीए गठबंधन में, तो बिहार विधानसभा चुनाव में कोई पूछने वाला नहीं बचेगा बीजेपी को। बीजेपी को इस बात का इस बात को ध्यान रखना चाहिए। संजय पासवान तो खैर जीरो पर ही आउट कह रहे हैं, लेकिन जीरो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दो दर्जन की विधानसभा सीटों की संख्या, दो दर्जन विधायक भी, अब जो बिहार में हालात है जाति जनगणना के बाद, उसमें दो दर्जन विधायक भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूते चुनवा पाने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है, ये साफ अभी दिख रहा है। देखिए एक बात और कहूं, नीतीश कुमार क्रिकेट के भाषा में समझे तो ऑलराउंडर है। नीतीश कुमार बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। जडेजा है, क्या नाम है अपने यहाँ क्रिकेटर, जडेजा है, रविंद्र जडेजा है, वो अक्षर पटेल है, कल देखे ना मैच में अक्षर पटेल कैसे बॉलिंग किए और कैसे छक्का लगाए हैं। और एक और ऑलराउंडर है, क्या नाम है उसका, विकेट कीपिंग भी करते हैं, ये पहला खिलाड़ी राजनीति के हैं क्रिकेट के भाषा में, बॉलिंग भी करते हैं, कीपिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। अब बीजेपी के पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो बिहार में खासकर जो विकेट कीपिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, बैटिंग भी करे। तो ऐसे खिलाड़ियों का टीम में रहना जरूरी है, ये नरेंद्र मोदी समझते हैं इस चीज को। चलिए लेकिन दिक्कत ये है कि इंडिया गठबंधन जो है मोदी जी की टीम के इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को कहीं ना कहीं कप्तान या उप कप्तान बनाने का ही ऑफर लेकर के सामने खड़ी हो जा रही है। समस्या वहां आ रही है कि कप्तानी मोदी जी के हाथ से छीन ली जाए, लेकिन फिलहाल मुद्दा मोदी जी नहीं है, मोदी जी की सरकार। एक बात ये भी जान जाइए अभिषेक जी कि बीजेपी जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं वो एनडीए संसदीय दल के नेता है, बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं है, और बीजेपी संसदीय दल का चुनाव नहीं हुआ है। और बीजेपी को इस बात का डर था, खासकर नरेंद्र मोदी के सलाहकारों को डर था, यदि बीजेपी संसदीय दल का चुनाव हो तो कुछ ऐसे सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी के नाम पे विरोध कर सकते हैं। और मैंने जो तथ्य रखा है गलत है तो आप बताइए, बीजेपी संसदीय दल की चुनाव हुई है क्या? नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल के नेता है, बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं है, चुनाव ही नहीं हुआ नेता कैसा जी। तो बीजेपी में भी सिर्फ बिहार में नहीं, राष्ट्रीय फलक पे भी असंतोष है। और आप देखिए 4-5 दिन पहले वसुंधरा राजे ने कहा है कि जिसको वसुंधरा राजे ने कही है कि जिसको हमने उंगली पकड़कर राजनीति सिखाया आज वही हमें उंगली दिखा रहा है। ठीक है, तो किसके लिए वसुंधरा राजे ने कहा है, किसके लिए सोनी चौबे ने कहा है, किसके लिए संजय पासवान ने चैलेंज किया है, किसके लीडरशिप को चैलेंज किया है, ये समझने की जरूरत जी। नहीं, समझने की जरूरत तो बिहार में है कि आने वाले वक्त में क्या होना है। सबसे पहले नजर इस बात पर रखनी है कि जो दो मुद्दे हैं कि रुपौली में भाजपा का कितना समर्थन जदयू को मिलता है, और जाति जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर तो 9th शेड्यूल में नवी सूची अनुसूची में डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। यही दो मुद्दे जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के संबंधों को निर्धारित करने वाले हैं कि आखिर होता क्या है, और इन सब के आगे कल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कौन सी आवाज जनता दल यूनाइटेड के अंदर से निकलती है, उस आवाज पर नजर रखिए, उस राजनीतिक प्रस्ताव पर जो किसी भी राजनीतिक दल में जो हम पत्रकार कवर करते हैं वो जानते हैं कि जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय परिषद होती है तो राजनीतिक प्रस्ताव बैठक के अंतिम दिन पारित किया जाता है। ऋषि जी आप जानते होंगे कि बैठक के बाद एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया, उस राजनीतिक प्रस्ताव की भाषा क्या होती है, उसमें धर्मनिरपेक्षता, गंगा जमुनी तहजीब, उसमें नीट, उसमें सब आरक्षण के मुद्दे को नवी अनुसूची में डालना, ये सारी चीजें यदि है तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के संबंध बहुत ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रहने हैं, कुछ चंद हफ्तों चंद दिनों की बात रह जाएगी। लेकिन ये मुद्दे यदि गायब रहते हैं इसका मतलब कि अभी हनीमून पीरियड चल रहा है। देखते जाइए क्या होता है। आज की बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।